उस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसका अंग्रेजी में नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम को हिंदी में प्रमेय कहेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ये थ्योरम परीक्षा में आएगा तो प्रश्न कैसे होगा, सुनो सब लोग पहले, तो प्रश्न कैसा होगा, प्रश्न कैसा होगा, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए और कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, ऐसा प्रश्न होगा। पहले सुनना एक बार टीचर क्या बोलते हैं, उसके बाद में बोलना। ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मुझे सबसे पहले उसका कथन लिखना पड़ेगा, यानी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, स्टेट एंड प्रूफ ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो उसका कथन क्या है वो पहले लिखना पड़ेगा। कथन लिखने से पहले मैं इसका डायग्राम आपको बना देता हूँ पास, क्योंकि कथन समझाने के लिए इसके डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका डायग्राम हुआ ट्राइंगल एबीसी, जिसमें एक साइड डी हम ऐसी इस प्रकार से बनाएंगे जो त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर हो, यानी पैरेलल हो, समांतर हो, ये हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका समांतर ये बनेगा, पैरेलल क्या बनेगा, पैरेलल। जब भी दो साइड पैरेलल होगा तो उसका संगत कोण वो समान होंगे, संगत कोण समान होंगे, तो ये दोनों संगत कोण इसके समान। थोड़े दिन पहले में हम लोग समरूप त्रिभुजों की रचना करते समय आप लोगों को समझाया था, दो कोण इक्वल बनाएंगे तो लाइन पैरेलल मिलेगा, त्रिभुजों का समरूप त्रिभुजों का रचना सीखा है ना, सीखा है ना, उसमें हमने दो कोण इक्वल बनाया तो दो लाइन पैरेलल मिला, मिला कि नहीं, यस सर। वैसे ही ये दो कोण समान है। ठीक है, और ये तीसरा कोण दोनों में है, एबीसी में भी है ट्राइंगल में, और ट्राइंगल एडीई में भी है, ट्राइंगल एडीई में भी है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल, ऐसा है बोलेंगे कॉमन उभयनिष्ठ बोलेंगे, एक एक वर्ड में आप लोगों को। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट यानी कथन मैं तुम लोगों को एक बार पढ़कर बता देता हूँ, उसके बाद मैं लिखूंगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, इसके समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु दोनों अलग अलग है, इसलिए बोलते हैं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करना मतलब इसको कट करना, यहाँ पे इस साइड को यहाँ पे कट करते हुए जा रहा है ना, और यहाँ पे कट करते हुए जा रहा है, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो ये दो अन्य जो भुजा है उसका जो अनुपात है, विभाजित होने का जो अनुपात है, अभी दो पार्ट में विभाजित हो गई, अभी एबी जो है वो दो पार्ट में विभाजित हो गई, पहला पार्ट है एडी और दूसरा पार्ट है डीबी, इसका जो अनुपात होगा एडी बाई डीबी होगा, वो दूसरी भुजा जो विभाजित हुई है उसके अनुपात के समान होगा, यानी एई बाई ईसी का समान होगा, तो एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी होगा, ये कथन में आपको समझाया हुआ है, तो सब लोग इसका कथन लिखो। यदि किसी त्रिभुज की
यदि किसी त्रिभुज की गठन सबको याद कर लेना है, त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये आपका कथन हो गया। इस कथन को नोट करो, ठीक है। कभी भी किसी प्रमेय के कथन को आप सिद्ध कर रहे हो तो उसको सिद्ध करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत होगी। तो पॉइंट्स क्या क्या है, अभी मुझे इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने का जो वर्ड है उपपत्ति का मतलब है प्रूफ, ठीक है। इसको प्रूफ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, सिद्ध करेंगे, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में तो प्रूफ करने के लिए कुछ बातें हमें दी हुई होगी और किसी चीज की हमें रचना करनी पड़ेगी और उसके लिए इसको प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, वो लिखने होंगे, तब ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है पहले वो नोट करेंगे, प्रूफ में लिखेंगे। दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी बिंदु डी जो एबी को प्रतिच्छेद करता है, बिंदु ई जो एसी को प्रतिच्छेद करता है या एसी पर है, दोनों में से कोई एक आपको बोलना है, लिखना है, ठीक है। और इसमें रचना करनी है आपको, रचना किसकी करनी है, तो दिया हुआ है मुझे रचना करनी है, बीई बीसी के समांतर बनाइए, बीई बीसी के समांतर बनाना है। और इसके बाद मुझे सिद्ध क्या करना है वो लिखना होगा, टू प्रूव, क्या सिद्ध करके बताना चाहते हो, सिद्ध करना है इसके भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, भुजाओं का जो अनुपात है वो समान है, यानी AD by DB इज इक्वल टू AE by EC, ये सिद्ध करना है, AE by EC सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें समरूपता के कुछ नियम याद होंगे जो 8वीं में हम सीखते हुए और 9वीं में भी सीखते हुए आए हैं, तो उसको एक टेबल में लिखेंगे हम सिद्ध करने के लिए। पहला एक तरफ कथन लिखेंगे और उस कथन का कारण जो है दूसरी तरफ बताएंगे, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों हम
लिखते हुए जाएंगे, जिसमें चार पॉइंट होगा, ये चारों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है। पहला पॉइंट है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीई, एबीसी पूरा त्रिभुज है और एडीई ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है, राइट। तो इसमें जो ये कोण बना हुआ है एंगल वन, ये इस एंगल का इक्वल है क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो लिखना होगा कोण ए बी सी, कोण ए बी सी इक्वल टू कोण ए डी ई, कोण ए डी ई ये है वन, एंगल वन, ये इक्वल है ना। क्यों इक्वल है उसका कारण हमें यहां लिखना है, ठीक है। उसका कारण है संगत कोण समान है, संगत कोण समान है, संगत कोण समान है क्योंकि क्योंकि बीई और बीसी दोनों समांतर है, ऐसा आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट हो गया आपका, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, तो दूसरा एंगल का ध्यान रखना, स्टेप वाइज बता रहा हूं मैं, पहले ये बताना फिर ये बताना, तो तेरे चार पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और तुम ऐसे ही लिखेगा तो पूरे पांच पॉइंट तुझे मिल जाएंगे, ठीक है। ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर कोण ए ई डी, ए ई डी बराबर एंगल टू, तो इसके लिए भी ये कारण जो है वो समान है, संगत कोण समान है क्योंकि दोनों पैरेलल है, संगत कोण समान है क्योंकि बीई और बीसी समांतर है, तो ये आपको लिख लेना है। तो दो दो पॉइंट हो गए, दोनों इसी है ना। अभी तीसरा पॉइंट एंगल थ्री जो है, दोनों में एंगल थ्री एक ही पॉइंट है, कॉमन वर्टेक्स है, सो बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू बी ए ई, डी ए ई तीसरा एंगल है, समान है, इक्वल है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, ये बिंदु उभयनिष्ठ है मतलब कॉमन है, क्या है कॉमन, तो उभयनिष्ठ है, तो इतना लिखा तो बस है, ठीक है। उभयनिष्ठ कोण है ऐसा लिखो, ठीक है, उभयनिष्ठ कोण है, तो ये तीन पॉइंट हो गए। अभी चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट इन तीनों से ये सिद्ध हो गया, अतः त्रिभुज एबीसी समरूप है, क्या है समरूप, इसका समरूप एडीई का, एडीई का समरूप है, ठीक है, ये उसका समरूप ऐसे लिखना है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये ए ए ए समरूपता नियम या कसौटी, समरूपता कसौटी से ये सिद्ध हो गया, क्राइटेरियन, कसौटी का मतलब है क्राइटेरियन, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब ये चार पॉइंट हमारा हो गया, अभी हम जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके भुजाओं का अनुपात जो है वो कैसा होगा, समानुपातिक होता, ठीक है, ठीक है।
समरूप होते हैं दो त्रिभुज तो उसकी संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल होती है, समानुपातिक होती है। अतः एबी यानी पूरा एबी बाई एडी, एबी बाई एडी किसका बराबर है? एसी बाई एई के बराबर है। एसी बाई एई ठीक है, हमें सीधे दर्रा ये तो कैसे लेके आएंगे ध्यान से सुनो। हमारे पास हमको एडी चाहिए लेकिन हमारे पास है एबी तो उसको हम ठीक है ए सी बाई ए ई ये हमें मिला है। ये क्यों मिला? क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती है। संगत भुजाएं ध्यान से सुनो हमें आ जाएगा, संगत भुजाएं समानुपाती है। इसका कारण लिखना है। अभी एबी को कौन सा बिंदु विभाजित करता है? डी डी तो एबी को मैं एडी प्लस बीबी लिखूंगा ठीक है। एबी को एडी प्लस बीबी लिखूंगा और इस एडी को ऐसे भी लिखूंगा जैसा है वैसा। वैसे ए सी को कौन सा बिंदु विभाजित करता है? ई तो उसको मैं लिखूंगा ए ई प्लस ई सी बाई ए सी ए ई ऐसा लिखूंगा जो है वो ठीक है। अभी दोनों को मुझे विभाजित करना, स्प्लिट करके डिवाइड करना है। ये इससे डिवाइड होगा और ये भी इससे डिवाइड होगा तो एडी बाई एडी प्लस बीबी बाई एडी होगा, एई बाई एडी होगा प्लस ईसी बाई एडी होगा तो ये कट हो गया वन आएगा। वन बाई बीबी इक्वल टू एडी होगा और ये भी वन होगा। वन प्लस ई सी बाई ए होगा ठीक है। अभी क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो इसके साथ अगर दोनों के साथ सेम नंबर जुड़ रहा है तो वो कैंसिल हो सकता है, माइनस कर दिया दोनों साइड या दोनों साइड वन हटा दिया तो हट जाएगा। अभी हमें जो मिला है वो बी बी बाई ए डी मिला है और ई सी बाई ए मिला है। रूप में इसका व्युत्क्रमानुपाती है, उसका व्युत्क्रम है, इसका उल्टा है तो इसका व्युत्क्रम लेने से अपने को मिल जाएगा ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम ऐसे लिखो रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम लेने से ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी प्राप्त होगा। अतः प्रमेय सिद्ध होता है, अतः प्रमेय सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया प्रमेय जो है वो सिद्ध हो गया। तो इसको ध्यान से तुम लोग समझ लो, नोट कर लो, दो बार तीन बार पढ़ो क्योंकि पांच बार का जो है प्रश्न है इसको अच्छी तरह से पढ़ना है समझना है ठीक है।